सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल तिवारी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राहुल। दोस्तों, इन्फिनिक्स अपना एक नया स्मार्टफोन कल यहां पर लॉन्च कर चुका है जिसका नाम है इन्फिनिक्स S5। और आज की इस वीडियो में से बात करने वाला हूं इसी नए स्मार्टफोन के सभी फीचर्स के बारे में, क्या कुछ फीचर्स आपको यहां पर इन्फिनिक्स के S5 में देखने के लिए मिलते हैं। और अगर आप यहां पर इस स्मार्टफोन को खरीदने जा रहे हैं तो आपको ये स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, या फिर कोई और बेस्ट स्मार्टफोन इस प्राइस रेंज में आपको देखने के लिए मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मैं बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन की डिटेल की। तो ये जो स्मार्टफोन 15 अक्टूबर को यहां पर लॉन्च कर दिया गया है, यानी कल यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। और बात करता हूं इस स्मार्टफोन की प्राइस की, तो यहां पर इसकी जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 8,999 रुपए। अब देख लेते हैं कि इस प्राइस रेंज में क्या कुछ फीचर्स आपको यहां पर इस स्मार्टफोन में देखने के लिए मिलते हैं, और अगर आप यहां पर इस स्मार्टफोन को लेने जा रहे हैं तो ये स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, अगर बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन की फ्रंट साइड की, बात कर लेता हूं डिस्प्ले की, तो यहां पर आपको 6.6 इंच का IPS LCD डिस्प्ले पैनल, HD+ डिस्प्ले पैनल यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। और ये जो डिस्प्ले है वो एक पंच होल डिस्प्ले डिजाइन के साथ यहां पर दिया गया है, यानी जो डिस्प्ले है वो काफी बड़ा यहां पर इन्फिनिक्स के S5 में देखने के लिए मिलता है। यानी जो वीडियो व्यूइंग जो एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा आपको इस स्मार्टफोन में यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। बात करता हूं अगर मैं यहां पर इस स्मार्टफोन के प्रोसेसर के बारे में, तो यहां पर आपको मीडियाटेक का हेलियो P22 प्रोसेसर यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि मुझे लगता है कि मतलब काफी लो प्रोसेसर यहां पर इस स्मार्टफोन में यूज किया गया है। थोड़ा सा यहां पर P60 वगैरह प्रोसेसर इस स्मार्टफोन में देना चाहिए था इसके और भी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से। हालांकि यहां पर बात करता हूं गेमिंग यहां पर परफॉर्मेंस की, तो आप पबजी लाइट जो है उसको आप लोड सेटिंग्स में यहां पर आप खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पर ज्यादा हैवी एप्लीकेशंस को यूज करेंगे, मल्टीटास्किंग अगर ज्यादा करेंगे, तो आपको यहां पर जो लैग वगैरह है वो थोड़ा सा यहां पर देखने के लिए मिलेगा। बात करता हूं रैम वेरिएंट के बारे में, तो 4GB रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है, जैसा कि यहां पर इन्फिनिक्स के हॉट 8 के केस में हमें यहां पर देखने के लिए मिला था। अगर बात करता हूं यहां पर और भी डिटेल की, तो यहां पर मैं बात करता हूं फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो पीछे की साइड आपको फिंगरप्रिंट सेंसर यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। फेस अनलॉक का भी ऑप्शन यहां पर इस स्मार्टफोन में अवेलेबल है। बात करता हूं कैमरे की, तो अगर बात करता हूं फ्रंट कैमरे की, तो पंच होल डिस्प्ले डिजाइन के साथ में यहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिल जाता है। अल्ट्रा वाइड लेंस इसमें आपको यहां पर नहीं दिया गया है, सिर्फ एक सिंपल कैमरा है सेल्फी के लिए। और बात करता हूं बैक कैमरे के बारे में, तो क्वाड रियर कैमरा, 4 कैमरा पीछे की साइड आपको यहां पर देखने के लिए मिलते हैं। अगर बात करता हूं यहां पर मेन सेंसर की, तो यहां पर जो मेन सेंसर दिया गया है वो 16 मेगापिक्सल का, प्लस 5 मेगापिक्सल का एक और कैमरा यहां पर दिया गया है, प्लस 2 मेगापिक्सल, प्लस 2 मेगापिक्सल का कैमरा यहां पर दिया गया है, जो कि मुझे लगता है कैमरा काफी अच्छा यहां पर दिया गया है। फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा भी, इस प्राइस रेंज में कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो कि मतलब इतना अच्छा कैमरा यहां पर लेकर के आता है। बात करता हूं अगर मैं यहां पर और भी डिटेल की, तो यहां पर आपको क्वाड फ्लैश, 4 फ्लैश आपको यहां पर कैमरे के बगल में देखने के लिए मिलते हैं, जिससे आप लो लाइट में भी काफी अच्छी फोटोज यहां पर क्लिक कर पाएंगे। बात करता हूं और भी डिटेल की, तो अगर बात करता हूं बैटरी की, तो 4000 mAh की जो बैटरी है वो यहां पर दी गई है। एटलीस्ट यहां पर 5000 mAh की जो बैटरी है वो तो यहां पर देनी चाहिए थी, क्योंकि इन्फिनिक्स के हॉट 8 में यहां पर 5000 mAh की बैटरी हमें प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, ये थे कुछ फीचर्स जो कि यहां पर आपको इन्फिनिक्स के S5 में देखने के लिए मिलते हैं। और अगर बात करता हूं यहां पर इस स्मार्टफोन के लेने या ना लेने की, तो ये जो स्मार्टफोन है वो काफी अच्छे फीचर्स यहां पर इस प्राइस रेंज में आपको यहां पर लेकर के आता है। कैमरा क्वालिटी वगैरह काफी अच्छी आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाती है। कोई भी ऐसा स्मार्टफोन यहां पर नहीं है जो कि 10000 रुपए के रेंज में आपको क्वाड रियर कैमरा यहां पर प्रोवाइड करता है, और 32 मेगापिक्सल का यहां पर फ्रंट कैमरा देखने के लिए मिलता है। यहां पर अगर मैं बात करता हूं डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, यहां पर बड़ी डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिली है। और अगर आप यहां पर इस स्मार्टफोन को लेना चाहते हैं, तो आप जाकर के यहां पर इस स्मार्टफोन को खरीद सकते हैं। काफी अच्छा स्मार्टफोन है यहां पर अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। दोस्तों, ये था कुछ इस वीडियो में, आशा करता हूं छोटी जानकारी को समझ आ गई होगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।